खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें लालू प्रसाद यादव के लाल की दिक्कत बढ़ने वाली है। एक जानकारी दे देते हैं जो आ रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कह दिया कि वो पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच 3 महीने में पूरी कर ले। इस केस में चार्जशीट फाइल न होने की आड़ में किसी आरोपी को जमानत न दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से जानकारी देने को कहा है कि मामले में आरोपी मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जावेद जब बिहार के मंत्री और लालू के बेटे तेज प्रताप यादव और शाहबुद्दीन के साथ देखे गए तो क्या कोर्ट उन्हें फरार अपराधी घोषित कर चुका था। अदालत ने राजदेव रंजन की पत्नी की केस कि को सीवान से दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर तेज प्रताप यादव, शाहबुद्दीन और बिहार सरकार से भी जवाब मांगा है। आपको बता दें सीवान में 13 मई 2016 को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में शाहबुद्दीन के करीबी लोगों को गिरफ्तार किया गया। पत्रकार की पत्नी का दावा है कि हत्या के पीछे शाहबुद्दीन है। अब वो दो तस्वीरें आप देख लीजिए जिसमें हत्याकांड का आरोपी शाहबुद्दीन और तेज प्रताप के साथ दिख रहा है। इसी के बाद राजदेव रंजन की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में केस को सीवान से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। वैसे कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने शाहबुद्दीन की जमानत खारिज कर दी है जिसकी वजह से उसे वापस जेल जाना पड़ा है।